तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। स्मारक प्राप्त हो रहा है, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या वासियों को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बंधु बांधवों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सुर सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी को उनकी 93वीं पावन जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यही है सनातन धर्म। कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था। कला और संगीत के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण और भारत के राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों को एक नई ऊंचाई के देकर के उन्होंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रत्येक भारतीय के लिए वंदनीय बनाया। और इसलिए जब लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और साधना के लिए समर्पित किया, तो उनका पहला स्मारक भी भगवान राम के धाम पर ही बने और आज पहला स्मारक लता चौक के नाम पर यहां पर आज समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर और वैभवशाली नगर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए और ये शुरुआत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का इंतजार अब बहुत दिन तक नहीं करना पड़ेगा। हम लोग बार बार दीपोत्सव के अवसर पर यहां पर हम लोग आते हैं और मैं इस अवसर पर हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धैर्य की मर्यादा का पालन करते हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के उन कार्यों के प्रति अपने आप को तैयार करना होगा और इसके लिए मैं अयोध्या के पूज्य संतों के सानिध्य में जैसे आज लता चौक इतना भव्य बना है ऐसे ही हर चौराहे को अयोध्या के हर चौराहे को इसी प्रकार की भव्यता देने के लिए पूज्य संतों के नाम पर उन चौराहों के निर्माण कोई रामानुजाचार्य के नाम पर कोई रामानंदाचार्य के नाम पर कोई राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों की स्मृतियों के साथ इसी प्रकार के भव्य चौक निर्माण की कार्रवाई का अब शुभारंभ हो जाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले एक वर्ष के अंदर हम इस पूरे कार्य को करके अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को भी नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ कर दें। अयोध्या विकास की ढेर सारी योजनाएं अब क्रियान्वित हो रही हैं। आपने देखा होगा अयोध्या को समर्पते हुए दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब पहली बार दीपावली के अवसर पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, उस भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम के बाद लोगों के मन में एक आस जगी थी। मैं जब भी अयोध्या आता था वो जो संत यही कहते थे कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा।
मैं कहता थोड़ा इंतजार रखिए, इतने दिनों का संघर्ष है, इंतजार कर ले। भगवान राम परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा हमारे धैर्य और हमारी मर्यादा की थी। हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, हम धैर्य के साथ भगवान राम की इस मर्यादा का पालन करते हुए थोड़ा सा इंतजार और कर लें, अवश्य अवश्य कुछ न कुछ अच्छा होने जा रहा है। और आज हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी निगाहों से अयोध्या को देख रही है। आज राम जी की पेड़ी में कोई आता है प्रभावित होकर के जाता है, अयोध्या कोई आता है बदलती हुई अयोध्या को देख करके प्रभावित होता है। अयोध्या के सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्य को, घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को, अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रमों को जब वह देखता है प्रभावित होता है। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है हम सब अयोध्या को सजाने संवारने और भव्य राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम के साथ रामलला के विराजमान भव्य राम मंदिर के अंदर होते ही अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक के रूप में अयोध्या की पहचान हो जाए और हमारा ये पावन धाम दुनिया के सामने